ये वो शीट है जो हम इस 3 mm की शीट का यूज कर रहे हैं। इसकी थिकनेस की हम बात करें, ये थिकनेस हमारी खाना चाहेंगे, ये शीट की क्वालिटी है। बस कलर इसका सिल्वर है, इसका क्रीम कलर है, 4-5 कलर में ये शीट आती है। इस शीट को हम पार्टीशन पूरी वीडियो में आपको पूरी किचन के बारे में जानकारी देने से पहले मैं आपको पूरी किचन का एक वीडियो का व्यू दिखाना चाहूंगा कि टोटल व्यू हमारे किचन का किस तरह से है और ये कितने में कितने की हमारी किचन है, ये सब कुछ आपको वीडियो में दिखाऊंगा। ये देखिए हमारी किचन बनी हुई है और इसमें हमने डबल कलर का शेड का कलर का यूज किया है, ये आप सामने देख सकते हैं। और ऊपर से हमने उसका बॉक्स बना दिया है ऊपर से अलग से, बॉर्डर अच्छा लगे। यहाँ पे हमने क्रॉकरी बना दी है, ये ड्रॉज बना दिए है और यहाँ पे हमने ड्रॉज दे दिए। ये सब कुछ आपको बारीकी से मैं अभी बताने वाला हूँ। दोस्तों ये हमारी क्रॉकरी बनाई है हमने, इसमें इस क्रॉकरी को जो हमने बनाया है सामने से ग्लास दिया है, जो बॉर्डर आप जो सामने से देख रहे हो तो बॉर्डर आपको सेम उसी तरह से लगेगा जैसे हम लकड़ी की एक हम कोई क्रॉकरी बनाते हैं। और क्रॉकरी जब हम लकड़ी की बनाते हैं उसमें आपने इस टाइप का बॉर्डर देखा होगा। कहने का मतलब ये है जो आपका काम लकड़ी में होता है वही काम हमने एल्युमिनियम में लिया है और एल्युमिनियम का काम लेकिन लकड़ी में दिख रहा है। इसकी लाइफ काफी ज्यादा है, बहुत अच्छे चलने वाली है। तो मैं आपको हल्की सी जानकारी इस क्रॉकरी के बारे में भी दे देता हूँ। मैं क्रॉकरी के बारे में आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिएगा, ये इसमें हमने 8 mm की ग्लास की डिस्प्ले दी है और स्लैब दिए हमने इसमें। पीछे वही शीट मैं आपको बता रहा हूँ, पार्टीशन शीट दे रखी है, साइड में दे रखी है, यहाँ दे रखी है। हमने पीछे पार्टीशन शीट क्यों दी है उसकी एक वजह है कि अंदर पीछे दीवार पे सीलन भी आ रही हो तो हमारे बर्तनों का या किचन का कुछ नहीं बिगड़े। इसी हिसाब से मैंने पूरी ही किचन में पीछे मैंने इसमें 5 mm की शीट दी है जो सीलन पे इसका कोई असर नहीं होगा, हमारी शीट बरकरार रहेगी, किचन भी हमारी बरकरार रहेगी। मैं आपको और हल्का सा सेटअप दिखाना चाहूंगा इसमें। इसमें हमने लाइटिंग की फिटिंग दी है और लाइटिंग किस तरह से आप इस बारे में मेरे को कमेंट करके बताइएगा। तो मैं सबसे पहले एक लाइट जला के दिखाता हूँ, ये आप लाइट देखिएगा, ये हमने होम लाइट इसमें दे रखी है। लाइट देखिएगा इसमें, तीसरी लाइट देखिएगा, व्हाइट कलर की लाइट है, और चौथी लाइट इसमें इस तरह से बन के आ रही है। नीचे का सेटअप दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिएगा ये जो कॉर्नर हमारा बना हुआ है ये हमारा आटे के ड्राम के लिए कॉर्नर ये हमारा बना हुआ है। यहाँ पर हम आटे के ड्राम को इसमें आसानी से रख सकते हैं, ये हमने आटे के लिए इसमें यहाँ बना दिया इसको। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये हमारी बास्केट है, ये हमारी प्लेट वाली बास्केट है, इसमें हमने दी है ग्लास कप के लिए यहाँ पे दी है, और ये हमारी कटलरी वाली बास्केट लगी हुई है। ये सब कुछ इसके अंदर हमने एल्युमिनियम शीट में हमने इसको यूज किया है। ये सामने जो शीट इसमें यूज हो रखी है ये हमारी एल्युमिनियम की एसयूवी शीट, बरगंडी कलर बोलते हैं इसे, या आपकी नजर में पिंक कलर भी बोल सकते हैं या गुलाबी कलर भी बोल सकते हैं, तो हल्का सा डार्क गुलाबी है ये। इसमें हमने बास्केट दी है, ये बास्केट आप देख रहे हो, ये टोटल जो आपका सामने का सेटअप आप देख रहे हो ये टोटल सेटअप हमारा एल्युमिनियम एसयूवी शीट का सेटअप है। और इसमें हैंडल जो हमने दिए है ये राउंड हमने हैंडल दिया है, SS का इसमें हैंडल दिया है। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो, पूरा सेटअप मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। इसमें भी आपके बर्तन रखे हुए हैं, ये भी मैं आपको सेटअप दिखा रहा हूँ। और साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा इसमें हमने सिलेंडर हमने कहाँ पे यूज किया है, हमने सिलेंडर को इस कॉर्नर में यूज किया है और साथ में हमने यहाँ पे जाली की कटिंग हमने लगा रखी है SS की, सिलेंडर की हीटिंग या गैस लीक होती है वो निकलती रहे, ये चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा। साथ में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ये हमने एक पार्टीशन दे रखा है, डबल स्टोर का ये हमारा काम कर रहा है और बहुत अच्छा लुक निकाल के दे रहा है। सारा हमारा बहुत सारा सामान इसमें स्टोर हो रखा है। मैं आपको और आगे का दिखाना चाहूंगा इसमें, ये आप दीवार देखो, ये दीवार है, इस दीवार को हमने शीट से कवर कर दिया है कि सामने की दीवार उसमें दिखाई ना दे। और ये हमारा सिंक के नीचे के पल्ले हैं, ये आप देख सकते हो उसमें, ये हमारे सिंक के नीचे के पल्ले हैं और सिंक के नीचे भी हमने सामान रखने की जगह बनाई है, जो आप उसमें सामान रखना चाहें वो सामान इसके अंदर रख सकते हैं। साफ सफाई के हिसाब से इसमें हमने नीचे से इसमें हल्का सा गैप दे रखा है, यहाँ का जो पानी है आराम से इसके अंदर चला जाए। ये सब कुछ आपको इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। साथ में मैं आपको दिखाना चाहूंगा हमने बर्तन स्टैंड को उसमें कहाँ यूज किया है, बर्तन स्टैंड हमने यहाँ पे यूज किया है, लेकिन
ऊपर के सारे पल्लों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिसमें हमने कहीं भी कैसा भी हैंडल का यूज नहीं किया है। सारा काम हमारा फिनिशिंग के हिसाब से लेके चले। ये सामने हमारी आप क्रॉकरी भी देख रहे हो, ये सब कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो मेरी समझ में आ रही है, काम आपको पसंद आ रहा है, तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो। सामने आपका डिस्प्ले में मेरा नंबर आ जाएगा, वहां से आप मेरा नंबर लेके आपको मेरे से काम कराना हो काम करा सकते हो। राय चाहिए व्हाट्सएप पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। किचन के बारे में, अलमीरा के बारे में आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप उस अलमारी का फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए, किचन का फोटो व्हाट्सएप कर दीजिए। एक आपको अमाउंट चाहिए अमाउंट पूछ लीजिए, काम समझ में आया आप मुझे बुला सकते हो, काम करा सकते हो। तो मैं आपको आगे का सेटअप और दिखाना चाहूंगा। ये चीज यहाँ पर हमने, ये आप देख रहे हो, हमने यहाँ पे बर्तन स्टैंड का यूज किया है यहाँ पे, और हमने पल्ले के अंदर इसको कवर किया है। और सेक्शन की हम बात करते हैं, इसमें एल्युमिनियम का सेक्शन है, ये ब्राउन कलर का समझो हमने सेक्शन का यूज किया है, तो ये हमारा सिल्वर कलर ना दिखाई दे। जो आपकी क्रीम कलर की शीट लगी हुई है और साइड में हमारी सीट जो लगी हुई है, ये सीट हमने यूज किया है। इस सीट की हम क्वालिटी आपको दिखाना चाहेंगे। ये सीट की क्वालिटी है, बस कलर इसका सिल्वर है, इसका क्रीम कलर है। चार पांच कलर में ये शीट आती है। इस शीट को हम पार्टीशन शीट बोलते हैं। ये पार्टीशन शीट जो होती है दोनों तरफ से एक जैसा इसमें कलर होता है। थिकनेस की बात करें, ये हमारे इसमें थिक 5 mm की शीट आती है। और ये हमारे पार्टीशन जो भी आप नीचे देख चुके थे, इसके अंदर जो हमने लगाई है यहाँ पर, ये पार्टीशन में हमारी बास्केट में ऊपर हमारे स्लैब में हमने ये सीट लगाई है। तो ये हमारी सीट यही वाली लगी हुई है, पार्टीशन सीट बोलते हैं इसे। तो हमने यहाँ पर जो दीवार पे दी है, और जहां जहां भी हमने इसके अंदर देंगे दीवार पे, ना इस पर पानी का असर होगा, ना दीमक का असर होगा, ना ये घुनेगी। जो आपकी प्लाई होती है ये प्लाई से बेहतर होती है, ना इसमें पानी असर, ना दीमक का डर, किसी चीज का इसमें प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इसके थिंक जो हम बात कर रहे थे, इसके थिंक हमारी 5 mm की थिंक होती है, और ये पार्टीशन के काम के मतलब की सीट है। लेकिन और ये इस सीट को हम सामने फ्रंट पे नहीं लगा सकते, इस सीट को हम सामने फ्रंट पे नहीं लगा सकते। इसके लिए हम जो सीट लेके आए हैं, इसके हम 3 mm की सीट लेके आए हैं, थिकनेस होती है, और थिकनेस 3 mm की जो होगी काफी मजबूत होती है, ये टूटने में मुड़ने में नहीं आती है, और बहुत ही अच्छा लुक निकाल के देती है। इस सीट को हमने फोल्ड करके लगाया है, जैसे कि हमने इन पल्लों को हमने फोल्ड करके लगाया है, इसी तरह से इस शीट को भी हमने फोल्ड करके लगाया है। जो हम 5 mm की शीट होती है उसको हम फोल्ड नहीं कर सकते, इसको हम फोल्ड कर सकते हैं। ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से क्यों बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों की कमेंट मेरे पास आती है, वो पूछते हैं मेरे से कि ये सीट किस टाइप की लग रही है, कौन सी सीट लग रही है, क्या सीट लग रही है। तो इसलिए मैं आपको इस किचन की वीडियो में आपको इस सीट की भी जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि आपको इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए कि ये सीट खराब होती है, ये लकड़ी से बेकार होती है, ये लकड़ी से काफी अच्छी होती है, काफी दिन तक चलती है और बहुत अच्छा लुक निकाल के देती है। अब हम इसमें कलर की बात करते हैं, इसका काफी कलर आते हैं, बहुत बड़ी कैटलॉग है इसकी, मैं वो भी आपको इसमें सामने डिस्प्ले पे मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें बहुत सारे कलर आते हैं, ये जो आपको सामने जो दिखाई दे रही है डिस्प्ले, इस डिस्प्ले में भी मैं आपको वो कलर दिखा दूंगा, ये कलर किस तरह के आते हैं, बहुत ही अच्छा आपको लुक निकल के आएगा। जो आपको कलर चाहिए वो कलर आपको मिल जाएगा। तो मैं आपको आगे का सेटअप दिखाना चाहूंगा। ये देखिएगा, ये हमने बर्तन स्टैंड हमने यहाँ लगा दिए, ये हमारा एक कॉर्नर, हमारा ये पल्ला है, ये हमारा कॉर्नर वाला पल्ला है। इसमें भी आप देख रहे हो हमारे इसमें पार्टीशन पड़ा हुआ है, और ऊपर से भी हमने उसको बंद कर रखा है, ऊपर भी हमारे इसमें सीट लगी हुई है, और काफी ये वजन ले लेगा क्योंकि इसमें हमने ये पार्टीशन का इसमें हमने काम लिया है। ये सेटअप मैं आपको दिखाना चाहूंगा, देखिएगा सामने का, यहाँ पे भी हमने पार्टीशन दे रखा है, ये पार्टीशन आप देख भी रहे हो, वही 5 mm की शीट का हमने ये दे रखा है, पार्टीशन शीट है। सामान रखने के हिसाब से हमने छोटे बड़े पार्टीशन इसमें दे रखे हैं। क्रॉकरी आपको कैसी लगी, क्रॉकरी हमारी किचन आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप मेरे को राय दीजिएगा। और उसको जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं और वीडियो उनको पसंद आई है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि आपके सामने में इसी तरह के किचन के, वार्डरोब के, एल्युमिनियम टीवी यूनिट के,
इसी तरह के कंटेंट में लेके आता रहता हूँ। तो वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से शुक्रिया।